चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस बार जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और नीतीश जी को एनडीए सरकार को यहाँ सुखा कर फेंक देना चाहते हैं। वो हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गरीबों को साथ में रखना चाहते हैं, एक साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये लोग हैं जो हम लोगों को लूटना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विशाल है। चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। आज हम बिहार के अज्ञान विधानसभा के नगरी गांव में हैं। आज मुख्य रूप से हम दलित समाज के बीच में हैं और आइए दलित समाज से जानते हैं उनके क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दों पर आज वो चुनाव करने वाले हैं। तो मैं आप ही से शुरू करता हूँ। आपका नाम? सर, मेरा नाम अंकित है। अंकित, क्या माहौल बन रहा है अभी गाँव में और अज्ञान विधानसभा में अभी? सर, हमारे विधानसभा में तो मनोज मंजिल जो हमारे कैंडिडेट हैं यहाँ के, उनके जीत पक्की है। तो अंकित, ये किन किन मुद्दों को लेकर लोग वोट करने वाले हैं? सर, हमारे विधानसभा के जो मुद्दे हैं वो शिक्षा, रोजगार, क्योंकि हमारे जो विधानसभा है सर, इधर इधर विद्यालय की स्थिति काफ़ी ख़राब है, ना ही सड़क है। जैसे आप आए होंगे इस नगरी गाँव में तो आपने देखा होगा कि यहाँ की गलियाँ और सड़कें कितनी ख़राब है, तो लोग डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे हैं इस बार। हम लोग इस बार मनोज मंजिल जी को वोट कर रहे हैं क्योंकि नीतीश और मोदी सरकार जो डबल इंजन सरकार है ये पूरी तरह से फेल है, क्योंकि ये शिक्षा से लेकर के और भी अनेकन प्रकार की, जैसे कोरोना महामारी की बीमारी आई उसमें भी ये लोग फेल हो गए हैं। और शिक्षा, रोजगार, जितने भी बोले थे कि 10 लाख को नौकरी देंगे, आज तक 1 लाख भी नौकरी ये लोग देने के लिए अपने वादे पर नहीं उतरे। इसको लेकर के हम लोग इस बार महागठबंधन की सरकार मनोज मंजिल जी को यहाँ से अपने विधायक के रूप में देखना चाहते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में इस बार तेजस्वी यादव को हम लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि इस बार की जो प्रधानमंत्री जो हैं, अभी जब युवाओं को आया तो युवाओं के लिए कुछ भी नहीं बोले, और खास करके महादलित टोला के लिए हुआ तो लोग बोलते हैं कि अंबेडकरवादी की बात करते हैं, कहीं पर अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ा जा रहा है, कहीं पर दलित पर हमला बोला जा रहा है, अभी कहीं पर बेटी बहन को जो है शोषण शासन किया जा रहा है। हम लोग को बेटी बहन जो है अभी किसी तरह से सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम लोग इस बार जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और नीतीश जी को एनडीए सरकार को यहाँ सुखा कर फेंक देना चाहते हैं। पिछली सरकार में भी कई वादे किए गए थे, क्या दलित समाज के लिए पिछली सरकारों ने क्या कर पाई है, और इस बार आप अगर सरकार बदल रहे हैं तो उसका मुख्य कारण क्या है, क्या वजह है? मुख्य कारण ये है कि वो लोगों ने आरक्षण के बदौलत हम लोगों को भाई नौकरी या रोजगार चाहे कुछ भी मिल रहा था, आज हम लोग का धीरे धीरे आरक्षण भी खत्म किया जा रहा है। हम लोग इस बार एनडीए को देखना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को तेजस्वी यादव नौकरी दिलाएंगे, बिहार का विकास कराएंगे, और ये जो मोदी सरकार है ना, बहुत घटिया सरकार है, इसको हम लोग बिहार से क्या पूरे भारत देश से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। हमारी माता बहनें भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं, आपका क्या नाम है? बुधमाना देवी। अब की बार किसको वोट कर रहे हैं आप? मनोज मंजिल। आपका नाम? रीता देवी जी। रीता देवी जी, आप की बार किसको वोट कर रहे हैं? तीन तारा में मनोज मंजिल को। क्यों वोट कर रहे हैं? ये वोट करने के मतलब हम लोग जिताने के लिए वोट कर रहे हैं, कहीं जीतेंगे तो हम लोग आगे में विकास बढ़ेंगे, बाल बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। जब पिछली सरकार आई थी तो सरकार ने कहा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था जी, या उसमें कितना काम किया पिछली सरकार ने? कुछ नहीं किए। कितनी सुरक्षा बेटियों को मिल पाई? कुछ नहीं मिला सर। बालो बच्चा का तो सारा सब गायब हो गए, पढ़ाई लिखाई जितना अथी रहे तना सब खत्म, लड़कन के नौकरी चकरी सब चल गई। क्या नाम है आपका? हेमा कुमारी। आप स्कूल जाते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? इंटर पास कर ली हूँ। क्या स्थिति है स्कूल की आपके, क्या हालात है? अच्छे से पढ़ाई होती है? नहीं, पढ़ाई उतना अच्छी नहीं होती है, सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा करने जाते हैं आते हैं और वहीं लोग हाजिर वाजिर बनाते हैं, हम लोग तो कभी स्कूल जाते नहीं हैं और स्कूल में पढ़ाई भी नहीं होता है। और ये जो पास वाला फॉर्म भरे हैं उसमें से अभी तक कोई भी लड़की लोगों का पैसा नहीं आया है। इंटर पास वाला भरे हैं ये भी नहीं आया है, मैट्रिक पास वाला भरे हैं ये भी नहीं आया है। अभी आप वोट तो नहीं कर सकते, अगर आप वोट करते तो आप किसको करते, या फैमिली किसको वोट करते? मनोज मंजिल जी को। मनोज मंजिल क्यों? वो हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गरीबों को साथ में रखना चाहते हैं, एक साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये लोग हैं जो हम लोगों को लूटना चाहते हैं, हम लोग इन लोगों को वोट नहीं देना चाहते हैं। आज तक बच्चों, गरीब के बच्चों अभी तक स्कूल नहीं तक क्या है,
हमको समझ में नहीं आ रहा है कि AIA का चल रहा है कि BA का चल रहा है कि मैट्रिक का पढ़ाई चल रहा है। तो स्कूलों की क्या हालत है? बहुत बुरी तरह हालत है, हमको पहचान में नहीं आ रहा कि कौन मास्टर उसमें पढ़ाता है कौन नहीं पढ़ाता है। और अस्पतालों की क्या हालत है? अस्पताल नाम की कोई चीजें नहीं। आपका नाम? मेरा नाम शिव जतन राम है, भूतपूर्व सैनिक हूँ मैं साहब जी। तो इनके राज में तो एक सड़क और एक नल जल योजना मिला है हमको, और तो कुछ मिला नहीं। ना बेटी बहन बेटी की इज्जत सलामत मिली है, ना हमको कोई मान सम्मान मिला है, और ना कुछ मिला है साहब। हैं, हमारा जो राशन था वो भी हमारा कटौती हो गया है। हैं, हम जिंदगी भर सेवा किए देश की, और अभी घर आकर और ऐसे बेहाल पड़े हुए। पिछले चुनाव में मोदी जी ने 125,000 करोड़ का पैकेज बिहार को दिया था, उसमें क्या कितना लोगों को, बिहार के लोगों को मिल पाया, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य? हमारे ख्याल से तो साहब कुछ भी नहीं मिला, बड़े बड़े पूंजीपतियों को मिला है, और कहने के लिए इतना पैकेज मिला, गरीब जनता को तो साहब कुछ भी नहीं मिला है साहब। लॉकडाउन के दौर में सब लोग वापस आए थे क्या जी? जी, ऐसे लोगों को चेन्नई में रहते थे, हम भी आए आए हैं तब से बैठे हैं, सब बीमार हैं, दवा का पैसा नहीं है। तो चेन्नई से कितना दिक्कत झेला आपने लॉकडाउन के दौरान? बहुत अब कहने योग्य नहीं है, बहुत दिक्कत झेल कर आए हैं। हाँ, अभी मुझे 26 तारीख का टिकट था जाने को, लेकिन मैंने कहा कि आज टिकट कैंसिल कर दिया कि वोट मार कर ही जाएंगे। अभी अभी एक घोषणा हुई है, बीजेपी सरकार ने कहा है कि बिहार के लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन की दवाई दी जाएगी, तो इस पर क्या, ये क्या है, इसको क्या देखकर ये कहा गया है? सर, जो कोरोना वैक्सीन है वो सबका हक है, ये कोई खैरात में बीजेपी नहीं बांट रही है। पहले पिछली बात है कि इस बार है कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगा। सुभाष चंद्र बोस के कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो भाजपा को ये समझना चाहिए कि ये खैरात की चीज़ नहीं है। अगर कोविड वैक्सीन आएगा, जिस पैसे से भी अगर दूसरी देश बनाती है यहाँ आएगा, तो सारे टैक्स पेयर्स का पैसा है उसमें। उनकी खैरात नहीं है कि अगर हम उन्हें वोट देंगे तभी वो देंगे। क्या वैक्सीन उनका घर का पैसा नहीं है? ये हम लोग का, मजदूरों, किसानों का पैसा है। जब हम लोग देते हैं टैक्स, उसी पैसा से देश चलती है, सरकार चलती है, न कि सरकार की किसी के बाप की पैसा है। अभी हम बिहार के अज्ञान विधानसभा के नगरी गाँव में थे, तो यहाँ दलित समाज के बीच हम लोगों ने बात की, और पता चला कि बड़ा सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध है, और जिसके चलते यहाँ का एक दलित समाज यहाँ का बड़ा नाराज है सरकार से। हम लगातार बिहार विधानसभा चुनाव की खबरें आप तक लाते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।